अतिकारण पावनि भो वैष्णवे नमः वन्दनाय कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने हे कृष्ण करुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकासन्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते तत्कञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेषु वृषभान् सुखदेवी प्रणमामि हरि प्रिये वृन्दाय तुलसीदेवै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदेवी सत्यवतये नमो नमः श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे आज बहुत अच्छी तिथि है क्योंकि आज का दिन श्री रघुनाथ दास गोस्वामी श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्री रघुनाथ भट्ट और कोई ना हाँ इनके किसके किसका आविर्भाव है और किसका किसका तिरुभाव किया है कभी वैष्णव का जो आविर्भाव और तिरुभाव है जैसे कहते हैं भगवान का जैसे न जन्म कर्म बंधन वैष्णवाना विद्यते जैसे कृष्ण गीता कहते हैं जन्म कर्म चमित मेरा जो जन्म कर्म है दीप और ये औदत उसी तरह जो जन्म और वैष्णव का जो कर्म है यही दीप है। इसलिए भगवान से भक्त लोग ज्यादा दया क्योंकि भगवान का केवल हमें एक ही मिलता है आविर्भाव, लेकिन वैष्णव लोग दो रख कर जाते, लेकिन वैष्णव लोग अगर चाहे जैसे ध्रुव महाराज ससर में ये वैकुंठ विजय किया ससर में, अगर वैष्णव लोग अगर चाहे ना ये शरीर नहीं छोड़ सकते, ये शरीर भी जैसे श्री मध्वाचार्य कभी ये मध्वाचार्य अंतर्य उपनिषद पाठ कर रहे थे, पाठ करते करते इतने में स्वर्ग से देवता को पुष्पों की बौछार की, बौछार करते 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 पूरा पुष्प में ही पूरा शरीर ढक गया, फिर जब वो पुष्पों का हटाया देखा उनका अंदर में गुरुदेव उनका अंदर में सशरीर में वो भी भगवत धाम गमन किए। इसलिए लेकिन भक्त लोग कृपा करके दो तिथि रखते हुए जाते हैं, एक जन्म तिथि और एक तिरुभाव, क्योंकि जितने हम वैष्णव का कथा सुनेंगे इतने से चैतन्य महाप्रभु जब रहते थे छोटा गोपीनाथ में, श्री गदाधर पंडित जब रहते थे छोटा गोपीनाथ में महाप्रभु वहाँ जाया करते थे, और महाप्रभु जब जाते थे वहाँ पर तो महाप्रभु
गाधर पंडित से प्रश्न करते थे, गाधर पंडित महाप्रभु से प्रश्न करते थे, आज हम कौन सा कथा सुना। गाधर पंडित महाप्रभु बोलते थे हमें बारम्बार भक्तों का कथा सुना, कितने भक्तों का कथा हम सुनाएंगे। हरे कृष्ण शाम सुन हरे कृष्ण क्या करें क्या करें हरे कृष्ण हरि बोलता हरि बोलता ओके। इसलिए वो कहते थे हमें बारंबार इसलिए भक्तों का कथा हम बारंबार सुनाओ, जितने भक्तों का कथा सुनाएंगे क्योंकि जो भक्ति मार्ग है भक्ति मार्ग बैठ कर जो भक्ति का मार्ग कर्ण कांटा युक्त भक्ति मार्ग है पुरस्थ धारा निश्चित दुर्तया दुर्गम पथस्तर कवय वदंती। इसलिए कभी लोग कहते हैं कि जो भक्ति का मार्ग है जैसे ब्लेड का जैसे धार है, ब्लेड का जैसे धार थोड़ी सी अगर इधर उधर होकर क्या कट जाएगी, उसी तरह भक्ति जगत में बड़ा सावधान से चलना पड़ता है। इसलिए महाप्रसाद पाने से पहले हम कहते साधु सावधान, साधु सावधान है कई तरह अवधान। इसलिए कहते साधुओं को सावधान करते भक्ति बर्तन में बड़े सावधान सरकार भक्ति बर्तन में चलनी चाहिए। लेकिन जब भक्तों का कथा सुनते हैं बारम्बार हम भक्ति कैसे करनी चाहिए, भक्ति करते करते कितने बाधाएं आती हैं, भक्तों ने कैसे वो बाधा को अतिक्रम किया और कैसे हरिनाम करते थे, कैसे वैष्णव सेवा करते थे, ये सब चीज़ है ना कहते भक्तों का चरित्र से ये सब चीज़ हमें अच्छे तरह से पता चल जाता है। इसलिए भक्त चरित्र सुनना हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। इसलिए भक्त लोग कृपा करके दो दो तिथियों को छोड़ कर जाते हैं, दो सौ तिथि छोड़ते जाए दयालु ठाकुर से ज्यादा दयालु वैष्णव ठाकुर। लेकिन भक्तों का जो तिरभाव है एक बढ़िया उदाहरण है, जो भक्तों का तिरभाव कैसे तो गुरुदेव कथा सुनाते सुनाया करते थे। एक समय किसी राज दरबार में कोई जादूगर आया, बोले एक जादूगर आया बोले हम तुम्हारी राजसभा में जादू विद्या दिखाएंगे। राजा रानी मंत्री सबके सब वहाँ पर इकट्ठे हो गए और उसने इतने सुंदर जादू विद्या दिखाए, इतने सुंदर जादू विद्या दिखाए, जितने वहाँ पर बैठे हुए थे, जितने वहाँ पर श्रोता बैठे हुए थे राजा रानी और देख कर क्या सुंदर उन्होंने जादू विद्या दिखाई। अभी प्रसन्न होकर के रानी ने अपना गला में जो एक हार थी उन्होंने वो हार प्रदान किया जिसको रानी ने कहते रानी के दो बेटे थे जो वो हार दिए। एक समय में राजा का जो दो बेटे ना वो हार के लिए झपट पड़े थे, जादूगर के जो दोनों बेटे एक साथ में झपट पड़े हार लेने के लिए, दोनों एक साथ पकड़े करके दोनों खेचाता निकल रहे बोले ये मुझे चाहिए और मुझे चाहिए। अगर कभी कोई देने के लिए राजी नहीं छोड़ने के तो दोनों के पास में था तलवार, दोनों ने एक साथ में तलवार निकाली और दोनों दोनों को ऊपर दोनों चलाए और एक साथ में दोनों का सर शरीर से अलग हो करते एक साथ में दोनों का गला अलग हो गया और वहां पर जब देखा इतने में जो रानी ने जब देखा मेरे दोनों बेटे ही चले गए चले ये शरीर रख कर क्या लाभ, उसने क्या क्या तलवार उठाया अपना शरीर वो भी अपना शरीर को सर काट लिया। जो जादूगर ने देखा मेरा पत्नी और दोनों बच्चे गए बोले मैं भी रख कर क्या करूँगा, उसने भी तलवार लेकर अपना सर को काट दिया।
जब तक बिल्कुल वहाँ लव लगान करते हैं और जितने वहाँ पर राजा रानी मंत्री जितने जनता थे हाँ जितने दुखी दुखी हो गए रानी ने देखा मैंने बोले गड़बड़ी मैंने ये हाथ देने का बच्चे इशारे खाने मन हो राजा ने कहा काम करो कि लाश को जा संस्कार करा दो और उसको लेकर संस्कार करवा दो। जब दो दिन बाद में राजा के पास में एक पत्र आता है बोले महाराज हमने जो जादू विद्या आपको दिखाई राज दरबार में अब जादू विद्या देखते हुए जो पहला पुरस्कार था अब दिए लेकिन जो अंतिम मैंने जो जादू विद्या दिखाई अभी उसका पुरस्कार हमें नहीं मिला। हम मरे हम अपनी जिंदगी पत्नी बच्चों के साथ पर जिंदा हमारा ये आग्रह है इसलिए आप हमें लास्ट जो हमने जो जादू विद्या दिखाई उसका पुरस्कार को लेकर उपहार को लेकर आप आओ। राजा को देख कर क्या अभी जिंदा है वो तो हमारा सामने मर गए शरीर को तो संस्कार करवा दिया अभी जिंदा कैसे। रानी को राजा ने बुलाया बोले पत्र पढ़ो मंत्री को बुलाया बोले पत्र पढ़ो क्या लिखा हुआ सबको देख देखकर आश्चर्य ये क्या है अभी जिंदा है तो मर गए हमारे सामने। राजा ने अपना उपहार को साथ में पत्नी मंत्री को साथ में उसको देखने के लिए और देखने के लिए जब आए ना देखा राजा रानी पान चुगाते हुए दोनों बच्चों को साथ में हंसते हंसते आए राजा के तला में एक फूल की माला डाले राजा को देख देख आश्चर्य इसलिए इसलिए विश्वनाथ चतुर्थ ठाकुर कहते हैं कि जब एक साधारण जादूगर अगर ऐसे जादू विद्या दिखा सकता है और जो भगवान की विद्या परिक्रम होते हैं जब नित्य परिकर होते हैं महाभारत कृष्ण के जो नित्य परिकर होते हैं फिर वो क्या नहीं कर सकते वो सब कुछ कर सकते इसलिए हमें जो दिखाई पड़ता है ये शरीर छोड़ दिए और हमने ये शरीर को लेकर के ये शरीर को हमने संस्कार करवाए इसे कितने हैं ना सब इनकी जादू विद्या है। ये वैष्णव लोग चाहते हैं हमारी दो तिथि इस जगत में रहे क्योंकि जब जब हमारी तिथि आएगी कि कम से कम हम बैठ कर हमारी कथा सुनेंगे हमारी कथा सुनेंगे तो हम कैसे भजन करते थे कैसे वैष्णव सेवा करते थे हमारी भजन का पद्धति क्या था। जब ये लोग ये चीज़ को सुनेंगे सुनकर क्या होगा ये लोग भी कैसे भजन करेंगे फिर भजन करते करते प्रभु को प्राप्त करेंगे। इसलिए हम लोग कहते हैं भाव महो सब जब कोई मर जाता है हम दुखी होते हैं लेकिन यहाँ क्या कहते हैं तीरो भाव महो सब जो उत्सव होता है इसलिए हम मरना शब्द नहीं कहते और जहाँ पर उनको शरीर को कहते हैं समाधि वहाँ पर शमशान नहीं कहते क्या कहते हैं समाधि। समाधि मतलब समाधि यहाँ पर बैठ करके आसन प्राणायाम ध्यान धारणा और समाधि ये समाधि साधन का पर ध्यान कहीं चरम अवस्था समाधि मतलब जहाँ संपूर्ण हमारा मन भगवत चिंतन में संपूर्ण डूब जाए उसको कहते ये समाधि। इसलिए समस्या नहीं करती कोई व्यक्ति मर जाते हैं ना वहाँ पर जाने पर हमें नहाना पड़ता लेकिन हम क्या करते हैं जहाँ पर वैष्णव लोग गए जैसे गुरु गोस्वामी का समाधि रोज जाए प्रणाम करते हैं परिक्रमा करते हैं बैठते हैं भजन करते हैं इसलिए क्या बताया गया समाधि। और तीनों भाव महोत्सव जो महोत्सव शब्द क्यों प्रयोग किया इसका क्या रहस्य है क्योंकि यहाँ पर तो दिखता है जैसे एक वैष्णव शरीर छोड़ करके लेकिन गोलोक वृंदावन में क्या होता है क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ा महोत्सव होता है क्यों बोले एक सखी और एक मंजरी गोलोक वृंदावन से इस जगत में आए और अनंत जीवों को उन्होंने भगवत भजन में लगा करके अनंत जीवों का उन्होंने कल्याण करते हुए क्या किया उन्होंने कितने जीव को उद्धार किया और वो वैकुंठ में गोलोक वृंदावन में गए इसलिए वहाँ पर बड़ी उनको स्वागत की जाती है वहाँ पर
राधा कृष्ण महाप्रभु परिकर उनको स्वागत करते हुए इतने जीवों को भगवान की भजन मिला के साथ इतने जीवों को कृष्ण उन्नों को करके आए हो। इसलिए वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर उत्सव होता है, इसलिए कहते हैं महामहोत्सव। बोले श्री वैष्णव ठाकुर की जय। बोले श्री वैष्णव ठाकुर की जय। इसलिए तिरुभाव हम लोग कहते हैं, इसलिए आज है तीन तीन वैष्णव का आज तिरुभाव महोत्सव है। हम कोशिश करेंगे थोड़ी कथा सुनने की, थोड़ी सी कथा सुनेंगे और शाम को भी कथा सुनेंगे, ठीक है। कहते श्री रघुनाथ दास गोस्वामी इनकी थोड़ी सी कथा सुनेंगे। कहते श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते इनका जो चरित्र है कि एक दिव्य चरित्र है, इनकी चरित्र है। साधारण लोग का जो सोचना है ये सब साधु बहुत बढ़ता है, पर जिनको पैसा कमाना आता है, घर में खाने को मिला है, इसलिए ये लोग क्या करते हैं कि घर बार छोड़ छाड़ करके और किसी तरह से भीख मांग करके और अपना पेट को पालते हैं। ये साधारण लोग का कहना है, साधारण लोग का सोचना है, कहते करते इस बात को। इसलिए श्री बिल्लो मंगल, श्री बिल्लो मंगल कहते हैं कृष्ण करना वो ग्रंथ में कहते हैं बोले सात दिन मार ही का चिंता न भवती सर करे तर्क साधी। वो कहते हैं अगर किसको राधा कृष्ण का जो प्रेम एक हो, राधा कृष्ण का प्रेम किसी को अगर आस्वादन का विषय हो, तो एक बूंद केवल राधा कृष्ण का प्रेम को कोई आस्वादन करे, कहते विश्व ब्रह्मांड का जितने रस है उसको सामने भी पड़ जाते हैं। कहते ब्रह्मांड का दुनिया का क्या रस है, कहते जो ब्रह्मानंद है, जो ब्रह्मानंद है वो ब्रह्मानंद भी कहते हैं कृष्ण प्रेमानंद जी आनंद सिंधु कोटि ब्रह्मानंद नैसार एक बिंद। कहते कृष्ण प्रेम आनंद में जो आनंद है जो रस है करोड़ों ब्रह्मानंद मिलकर के भी वो कृष्णानंद के सामने बराबर नहीं कर सकते। इतने कृष्ण मंत्र आनंद पर ये दुनिया का रस तो उसके सामने नहीं मिलेगी। इसलिए यहाँ पर कहते हैं सरकरे कर्क सासी, सरकर बड़ा मीठा बोले सरकरे तुम कभी कर्कश होते हो, अभी तुम कड़वा बिगे हो, क्यों बोले राधा कृष्ण का प्रेम रस आस्वादन होना ना बोले द्राक्षा द्राक्षसी, एक द्राक्षा रस होता है कि अंगूर का रस को प्योर करके एक रस बना उसको द्राक्षा रस करके बड़ा सुंदर रस होता है। बोले द्राक्षा द्राक्षसी बोले के द्राक्षा तेरे तरफ में और कोई देखेगा नहीं है, इसलिए बोले अमृत प्रीतम असी, कहते अमृत तुम मर जा है तेरे तरफ में और कोई नहीं देखेगा धरा धरा अमृतम। इसलिए कहते सारा दुनिया के कितने रस है बोले कृष्ण भक्ति रस को सामने हो जाते। इसलिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का जो चरित्र है ठीक है, सही कहते कितने बड़े संपत्ति के लिए मालिक थे, छोटे मोटे नहीं। कहते उसी समय में उनका जो वार्षिक आय था ना कितना आया था, उनका जो वार्षिक आय था बोले 8 लाख मुद्रा था। साधारण बात नहीं, अरब खरब बनते अरब खरब। इसलिए इनके लिए बताया इंद्र तुल्य ऐश्वर्य स्त्री अपसरिषा, बोले ऐश्वर्य कितना था बोले इंद्र के बराबर, इनके घर में ऐश्वर्य था इंद्र के बराबर। बोले पत्नी कैसे थी, जो पत्नी थी स्वर्ग थी अवसर जैसे इसके घर में पत्नी थी, इतने सुंदरी पत्नी और इतने ऐश्वर्य है, लेकिन इन्होंने ये सब को छोड़ करके बात वृंदावन में आकर के बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम।
पास में
वही नदी बह रही है और चारों तरफ में बड़ी हरी भरी बड़ा सुंदर स्थान था उनका गाँव। इसलिए वहाँ पर सात गांव था, कहते सात गांव के कहते इनका जो पिता जितने के अधिकार थे सात गांव। इसलिए ये आदि सप्तपुर को कहते हैं। कहते इनको भगवत भक्ति प्राप्ति कैसे हुई, इसलिए शास्त्र में बताया भक्तिस्तु भगवत भक्त संगेन करि जायते और सत्संग प्राप्त भूमि सुकृते पूर्व सचित। यद्यपि ये भगवान की नित्य परिकर है, ये रसमंजरी रति मंजरी आलू अक्षर, यद्यपि भगवान की नित्य सिद्ध परिकर है, लेकिन परिकर होने पर भी इनको कोई जरूरत नहीं किसी का संग्रह से। और फिर हरिदास ठाकुर का संग्रह इनको मिला है, हरिदास ठाकुर का संग्रह मिला, हरिदास ठाकुर के संग्रह से इनकी भक्ति मिली। क्योंकि हरिदास ठाकुर पितामह ब्रह्मा और ये प्रह्लाद है, किंतु जो भक्ति तो भगवत भक्त संग्रह न करी जाए तो भक्ति जो मिलती है भक्त का संकल्प द्वारा ही ये भक्ति मिल सकती है। इसलिए भक्तों के संकल्प मगर जिनको कभी भी ये भगवत भक्ति कभी नहीं मिल सकती है। इसलिए शास्त्र ने बताया दुलया लगनाती न स्वर्ग न अपुनर भव भगवत भक्त संग जाना गिरता से। अगर जीवन में एक लव साधु संग हो जाए फिर एक लव कितना समय, फिर एक सेकंड को एगार भाव करो, एक सेकंड को एगार भाव करो, एगार भाव का जो एक भाव है एक लव है, मतलब इतने कम समय है। अगर जीवन में इतने कम समय अगर जीवन में साधु संग हो गया तो वो साधु संग से इतने महान वस्तु प्राप्त होता है जिसको साथ में स्वर्ग और जिसके साथ में मुक्त भी हम बराबर नहीं कर सकते। इतने साधु संग की महिमा, इतने साधु संग की महिमा बता रहे। इसलिए कहते केवल भक्तों का संघर्ष से ही भक्ति मिलेगा। इसलिए श्री भरत महाराज कह रहे हैं रघुगणी न तपस्या न जाति न जया निर्वाप न क्रियापा नैव छंदास्ति नैव जलादि बिना महत पदो रजो विषय का। कहते रघुगण, कहते रघुगण न तपस्या भगवान को तपस्या से नहीं मिलता, न जाति जाति से नहीं मिलता, पूजा पाठ से नहीं मिलता है, इसलिए घर बार छोड़ने से नहीं मिलते हैं, कहते वेद अध्ययन से भी नहीं मिलता, बल मिलेगा कैसे, बोले बिना महत पदो रजो विषय का। जब तक किसी महान पुरुष का चरण में हम चरण में अभिषिक्त नहीं होते तब तक ये भगवत भक्ति की प्राप्त हो ही नहीं सकता, केवल महत्व के साथ होगा। लेकिन जब तक रघुनाथ दास गोस्वामी नित्य सिद्ध परिकर थे तब भी यहाँ पर लिखा है कि इनकी इनको जो भगवान की प्रति रुचि हुई भक्ति मिली किसका द्वारा हुई, तो श्री हरिदास ठाकुर जी की ये संग्रह से इनको भगवत भक्ति प्राप्त हुई। इसलिए कहते श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते उन्होंने जब श्री चैतन्य महाप्रभु से मिले, बोले महाप्रभु को साथ में कब मिलेंगे, बोले जिस समय श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास ग्रहण किया है, संन्यास काटुआ गए और काटुआ में उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और संन्यास ग्रहण करते हुए हा कृष्ण करते हुए प्रेम की उन्माद हो गए थे महाप्रभु जगन्नाथ को जाते समय इतने में श्री नित्यानंद को उनको रास्ता घुमा दिया है, रास्ता घुमा दिया, बोले वृंदावन कहाँ पर यहाँ पर है, उल्टा रास्ता दिखा दिया और दिखा करके उनको ले आए। जब यमुना में उन्होंने स्नान गंगा में नहाया तो यहाँ पर स्नान करो, उन्होंने स्नान किया बल्कि यमुना स्नान करके जब इतने में देखा महाप्रभु भावावेश में थे, इतने में उनका भाव होता है तो फिर तुम लोग मेरे को झूठ मुझे बोल दिया, फिर जमुना में आया प्रभु अब जमुना में स्नान किया, क्योंकि गंगा में एक तरफ में गंगा बह रही है और एक तरफ यमुना बह रही है, अब जिधर जिस साइड में स्नान किया ना
यदि यमुना बह रही है, अब यमुना में मोहन हो, इसलिए उन्होंने उनको बाला में कहाँ ले आए, शांतिपुर ले आए। जब शांतिपुर ले आए तो उन्होंने श्री रघुनाथ गोस्वामी और शांतिपुर में आकर महाप्रभु ने उन्हें शांतिपुर से मिले। जब उन्होंने महाप्रभु को शांतिपुर से मिले हैं, जब महाप्रभु के साथ में मिले, अभी तो उनको पहले तो रघुनाथ दास गोस्वामी का संग मिला था, फिर महाप्रभु का साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ। दर्शन प्राप्त होते ही वो तो एकदम कृष्ण प्रेम, एकदम कृष्ण प्रेम में दीवाना बन गए। अब वो चाहते हैं काश में सब कुछ छोड़ छाड़ करके महाप्रभु साथ में ही साधु बन जाओ महाप्रभु के साथ में। लेकिन इनका जो परिवार, इनको दो भाई है, हिरण्य मजूमदार और इनका नाम क्या, गोवर्धन, हिरण्य मजूमदार और गोवर्धन, यदि ये दो भाई, लेकिन एक भाई का संतान नहीं और एक भाई का ही संतान, मतलब दो भाई का केवल एक बेटा। और भविष्य में इतने सारे संपत्ति जो सात गांव का, जो सात गांव में कितने मालिक है, ये सात गांव के मालिक, अभी ये बोल रहा है साधु बन करके चल जाएगा, जो साधु बन करके जाएगा, अभी फिर नहीं सारे राजपाट को इतने धन दौलत संपत्ति को अभी कौन देखेगा, पक्ष उसको संभालेगा है। इसलिए हमारे भारतीय की संस्कृति, आप लोगों को पता है भारत की संस्कृति, भले ही तुम्हारे छः बच्चे क्यों नहीं हो, तुम्हारे दस बच्चे क्यों नहीं जाए, लेकिन भारत में एक बच्चे को अगर मैं साधु ना हो, एक बेटे को भी बोल के साधु बन जाए ना, एक बेटे को साधु बनने दे। हम लोग ना, हम लोगों की छः भाई थे, हम छः भाई थे, मैं था सबसे छोटा था, छः भाई में सबसे छोटा था। इसलिए जब हमारा गांव में एक साधु आया ना, हमारे गांव में एक साधु आया, पहले तो भक्ति थी वासना थी, लेकिन जब एक साधु आया, जब हमने वो साधु का कथा सुने और छोटा अपने उस समय मेरा उम्र कितना होगा, करीब 11 साल होगा, 10-11 साल में मेरी उम्र था, और बड़े सुंदर वृद्धम हो जाता था और बड़े सुंदर कीर्तन किया और इतना छोटा बच्चा मृदम कीर्तन बजा कर वहाँ तक से दौड़ी मठी बाद बजा कर दौड़ी मठी हमारे गाँव में आया था। और उसका कीर्तन भक्ति करना, मैंने कहा इसका अपने जैसे मैं भी ऐसे साधु बनी हूँ। और हमारे परिवार में जो पता चला मैया को ना, मैया तो ईट उठा कर अंदर वो बाहर में गिर गए, और मेरे जो मैया का अटेंडेंस मैंने मिटाई दिया, मेरे साधु बन गया, अरे लिखाई विखाई करके और नौकरी चाकरी करके अटेंडेंस मेरे साधु बन गया। देखो छः भाई होते थे, एक भाई को भी लेकिन मेरी राजनी, अरे ये दो भाई, अरे दो भाई ने इतने सारे संपत्ति, इतने सारे संपत्ति हुए, अभी कैसे ये बोलते साधु बन जाए, ये साधु कैसे बन जाए। इसलिए अभी इनको सब सुने ये साधु बनेगा, फिर तो उनको पिताजी बड़े चिंतित चिंता में पड़ गए, चिंता में पड़ करके, और ये क्या करते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी, ये बारम्बार घर छोड़ करके वो चले जाते हैं महाप्रभु के पास। फिर पिताजी हैं, फिर पिताजी लोग भेज करके उनको फिर पकड़ करके लाते हैं। पिछले लास्ट में उनको 11 लोग क्योंकि जमींदार करके थे ना, जमींदार करके सारे संपत्ति का यही एक बेटा है, क्योंकि 11 लोग उनको पहरा डाल रहे हैं, 11 लोग पैसा करने के लिए जाए उसको पीछे जाए, बाइक खड़ा करने के लिए जाए उसको पीछे कोई जाएगा, स्नान करने के लिए जाएगा उसको पीछे कोई जाएगा है। इसलिए मेरे जो गुरुदेव थे ना, मेरे गुरुदेव का चरित्र भी हमारे गुरुदेव, हमारे गुरुदेव भी बड़े जमींदार थे, उस समय तो उन्होंने लयर थे ना, जो बड़े हाई फाई करके परिवार में होते थे ना, फिर जाकर किसी बच्चों के पढ़ाया करते, उसमें पढ़ना भी इतना आसान नहीं था, उतना लिखाई पढ़ना भी इतना आसान नहीं था। इसलिए मेरे गुरुदेव जब साधु करने की कोशिश की, जब साधुओं के पास में आए, फिर तो परिवार वाले क्या किया, जब जिस समय वो पूर्व बंगाल से आएंगे पश्चिम बंगाल में, पुलिस को पास में रिपोर्ट कर दिया कि बाबा को बाहर करके हमारे बच्चों को पता नहीं बहका करके और उसको पागल बना करके, इसको बाबा बना कर ले जाए, पागल बना दिया बच्चे को। पुलिस में उन्होंने
टिप्पण करवा दिया बाहर, जिस समय लंच में बैठे थे नदी बाहर होना पड़ता था, उस समय पुलिस लोग आकर जोर जबरदस्त पकड़ के जोर देते थे, और वो भी तो बहुत बड़े अधिकारी के थे, बहुत बड़े। अपना सब हिंदी बुझते बात से कुछ हिंदी बुझते बात से सब एक्टर को बुझे सिनेमा देखे ना और टीवी देखे ना और टीवी पे सब फिल्म फिल्म में आते और फिल्म फिल्म देखने से तो सीख ही जाते हैं, पर सीखते रहते हैं एक्टर को बुझते बात से। इसलिए हमारे गुरुदेव भी बोलते थे हाँ, वो फिर साधु बन कर नहीं चले जाए, कभी मैं पैसा में जाए फिर पीछे, कभी पायखाना करने जाए कभी मेरे पास में लोग नहाने जाए फिर पीछे, तो गुरुदेव बोलते थे इतना बड़ा दिक्कत हो गया ये तो मेरे को साधु बनने नहीं देंगे हाँ, चैन में रहने नहीं देंगे। इसलिए गुरुदेव ने बोले मैंने नाटक किया, बोले क्या नाटक किया, बोले गले से तुलसी का जो उधार दिया हमारा जो चोटी था ना चोटी का मैंने कटवा दिया है, ऐसे हमें जाने नहीं देंगे, ये सब चीज करके बड़ी पानी के साधु तो हमने पागल बना दिया, उल्टा पुल्टा बोल रहे बोलते पागल बना दिया साधु लोग ने, ये भजन भजन आप कुछ नहीं करेंगे अपने कार दीजिए हैं, माला पला करना छोड़ के परिवार सोते अच्छा, लेकिन ज़्यादा बुरा हो गया तो पता नहीं चला हाँ, लेकिन बेटा था हमारी अच्छा बन गया हैं, गले से माला उतार दिया छोड़ उतार दिया माला छोड़ दिए अच्छा हो गया। बाप हमारे गुरुदेव ने बहाना बनाया, क्या बात बनाया, मैं इतना दिन से खर्च पुष्कर से निकल नहीं देखो महीना महीना हो गया, भले हमारी इच्छा पर सी अपना बहन घर मित्र बहन के घर का धूम करेगा तो ठीक ही जा, अपना बहन घर घूम करेगा तो मन सही हो जाएगा, बाप बहन का घर बोल कर सीधा हाँ सीधा पूर्व काल से पश्चिम काल है प्रभुपाद जब से रघुनाथ दास गोस्वामी जो चरित्र है हाँ, इसलिए कभी ग्यारह व्यक्ति जिनके पीछे ग्यारह व्यक्ति हर समय उनका पीछे हर समय पीछे, और ये बार बार महाप्रभु पास में चले जाते हैं और उनको पकड़ पकड़ करके उनको ले करके आते हैं। एक समय महाप्रभु ने कुछ उन्होंने बड़ा सुंदर उपदेश उनको दिया, क्या उपदेश दिया, जब जो उपदेश है हमारे जैसे साधुओं के लिए ना बहुत उपयोगी है, मैंने बताए बोले स्थिर हया करे जाओ नाहो बदूर क्रमी क्रमी पाए लोक अब सिंधु को मरकट वैराग ना कर लोक देखाइया जथा योग्य विषय गुंज अनासक्त हया अंतरे निष्ठा कर बाह्य लोक व्यवहार अचिराज कृष्ण तुम्हारे परिवे नवधार। इसलिए हम जो साधन हो ना एकदम ये सब चीज को अपने जो घर में नहीं और घर में जा रहे हैं और मंदिर में आ रहे हैं और सोच रहे हैं हम एक दिन साधु बन जाए हैं, हम एक दिन सब छोड़ करके मंदिर में आकर के साधु बन जाए, उनके लिए ये बहुत बड़ा सुंदर बात है। क्या कहते हैं बोले स्थिर हया धरे जाओ नाओ पागलपन मत करो, पागल पर मत करो, स्थिर होकर अपने घर में वापस जाते हैं ना बातों ले क्रमे क्रमे पाएगी भगत, हम एक साथ में हम छलांग नहीं लगा सकते, इसलिए क्रमे क्रमे धीरे 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 ही भगत साधन को पार करना है, एक साथ में हम छलांग नहीं लगा सकते। इसलिए जब तक हमारी कोई सुकृति नहीं होना, जब सुकृति जब तक हमारी पुष्ट नहीं होगी कितने कुछ कर लो सोने वाले, इसलिए मेरे गुरुदेव कहते थे हमारे गुरुदेव कहते थे तो किसी तरह से किसी जीवन में जितना हो सके गुरु वैष्णव का सेवा करके ठाकुर का सेवा करके हरिनाम करते हुए भक्ति के अन्य आचरण करते हुए जितना हो सके कोशिश करो अपना सुकृति को पुष्ट बनाने। हम कितने कथा सुनते हैं, कितने कथा सुनते हैं, श्रद्धा साधु शब्द भजन क्रिया अनंत निवृत्ति रुचि निष्ठा आसक्ति भाव प्रेम स्नेह मान प्रणय राग अधुरा भाव महाभाव मातनक्ष कुटायत कुटायत है, कितना सुनते हैं
लेकिन कुछ हो रहा है क्या? अगर सही सही विचार करें ना, अभी हम जो भक्ति का जो सबसे पहला नंबर जो श्रद्धा है ना, अभी अगर सही से हो, अभी हमारे पे श्रद्धा नहीं है। लेकिन एक समय तुमने बोलते थे भक्ति में नारायण रोशन मथुरा हरी कथा बोलते 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 थे, अभी महाराज जी बोलते अब पता हो कितने भक्त लोग आते थे, महाराज बोलते थे तुमते बोलते थे, मैं जानता हूँ तुम मेरे पास कितने सब लोग आए हो, चूँकि मैं थोड़ी सी मीठी मीठी बोली बोलता हूँ, थोड़ा मीठी मीठी तुम्हारे मन के लाने कथा बोलता हूँ, अगर मैं सही कथा तुमको बोलोगे ना बोलूँगा ना एक भी ज्ञान दिखाई नहीं दूँगी, सब भाग जाऊँगा सब मंत्र चढ़ भाग जाओ कोई मेरे पास नहीं आओगी। अगर सही सही अगर मैं बात वजन की बात बताओ है और थोड़ा शासन करो ना एक भी तुम लोग यहाँ नहीं करोगे सब बात कर, इसलिए तुम लोग थोड़ा मीठी मीठी बोल बोल रहा हूँ, इसलिए आ रहे हो बैठे हो तो चार तरफ भी घूम रहे हो। जैसे श्री गौर किशन दास बाबा देख लो, एक एक था ना कोई शिष्य था ना, बोले गुरुदेव हमने कृष्ण दास ही लाया, गुरुदेव हमने कृष्ण दास ही लेकर आया है, बोले कृष्ण दास ही लाए बहुत अच्छी बात है, वो तुम्हारे दास ही नहीं वो कृष्ण का दास ही, रोज तुम चरण धोकर के चरणा भी दोष कर लेना, उसको प्रति भोग बुद्धि नहीं करना, अगर भोग बुद्धि बरगना सीधा कर दिया हो क्यों वो कृष्ण दासी है वो तुम्हारे दासी। एक व्यक्ति बोलता था बाबा जी महाराज मेरे ऊपर भी कृपा कर दो, बाबा जी महाराज कृपा कर दो, रोज बोलता था दुष्ट कृपा कर दो, महाकपटी है महाकपटी दुर्त मेरे कृपा करो कृपा करो, उसको पता नहीं कृपा क्या होता है, गौर कृपा कृपा लोग अपना लंपटी को निकाल कर ले, संत का असली कृपा क्या है, संत का असली कृपा क्या है, तुम भी ये कौकर धारण करो, धारण करते हुए त्यागी साधु बनो और सारे संसार की माया ममता मोह को तुम संपूर्ण त्याग दो, त्याग करके त्याग करो, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। यही तो संतों का असली कृपा है ना, है कृपा यही संत क्या चाहते हैं, सारे विषय को छोड़ो और हमारा जैसे साधु बन करके संपूर्ण सारे इनाथ को भगवान की चरण में, ये तो उनकी कृपा है ना, इसलिए इसलिए मैंने क्रम्य क्रम्य पार्थी भव सिंधु गुण और उसकी आपने बर्तट वैराग नाकर लोपक देखा गया और यथा योग्य विषय गुण के अनासक्त, इसलिए कहते थे बर्तट वैराग बर्तट, बर्तट वैराग मतलब ये बंदर का जो वैराग है, बंदर का वैराग मतलब वृंदावन बंदर देखे पक्का साधु जैसे का आचरण एकदम प्योर साधु, कोई धर्म का नहीं, पहले जैसे हमारे दोस्त हम लोग एक एक वृक्षों को नीचे एक एक अंदर है एक एक वृक्षों को नीचे एक एक जैसे गौर किशोर दास बाबा जी महाराज कभी कभी नाव में चल रह गए कभी पायखाना में रह गए, इसलिए बंदर को देखो पूरा जैसे कोई घर मकान नहीं एकदम वैसे रहते और शरीर में भी कपड़ा नंगा ही पूरा नंगे ही पूरा साधु प्योर साधु है, कोई कपड़ा कपड़ा कोई जरूरत नहीं पूरा नंगे ही है, अपना खाने के लिए कोई काम नहीं करते, अपना खाने के लिए बास जो मिल जाए चश्मा उतार कर ले जाओ खाना दे दिया खा दिया कहीं थोड़े मतलब जो साधु का जो भी है ना कहती, लेकिन वो देखने में तो लगता है ये साधु जैसे, लेकिन कहती ये बंदर बड़ा कामी बड़ा खुरखी बड़ा कामी है और बड़ा कपटी, आप देखना देख लेगा कोई चीज वहां रख लेंगे ऐसे ऐसे करते रहते हैं, थोड़ी सी आप थोड़ा अन्य मनस को होना झपट मार के रखते हैं, इसलिए कहते कपट है, इसलिए कहते भैया बंदर का जैसे ऊपर से जैसे वैराग्य नहीं है ये मर्कट वैराग्य पर क्या करो, हाँ ये बंदर का जैसे वैराग्य नहीं ऊपर पिता के तो वैराग्य है कभी महाकामी महाक्रोधी इतना बात बात में लड़ाई करते हैं हैं बाकी बच्चे लड़ाई पेश करते हैं, इसलिए बरकट बजाय नाटक लोग दिखाएगा
के तो बंदर जैसे भैया के पत्थरों लोग दिखाने के लिए क्या करो बोले जंधा योग्य बना सकता है। कहते जितने जरूरत है कि शरीर निर्वाह करने के लिए उतना ही ग्रहण करो। अगर ज्यादा ग्रहण करोगे फिर भोगी बन जाओगे, अगर कम ग्रहण करोगे क्या बन, अगर कम ग्रहण करोगे तुम रोगी बन जाओगे। इसलिए तुम्हें भोगी भी नहीं बनना, तुम्हें रोगी नहीं बनना। इसलिए श्री विश्वनाथ होकर कहते ना उत्साह नहीं, उत्साह में क्या होता है जो पहले पहले आता है ना और जैसे रघुनाथ दस गोस्वामी तो एक चूल भर छाछ भी करके ना मैंने कर हम भी ऐसे ही पूरा रघुनाथ दस उधर पहले कर देते हैं और खाना जो वैष्णव लोग खा करके जो दस देंगे वही से उठा उठा कर खाएंगे खाएंगे नहीं है और पूरा रात को जगे रहेंगे। एक लाख परिणाम रोज रोज एक लाख परिणाम करेंगे रोज रोज और सारे वैष्णव उद्देश्य में 1000 प्रणाम करेंगे जय जय करेंगे पूरा अपना जीवन को गोस्वामी के संतम में इस भजन में पूरा बनाएगा है जैसे पूरा। लेकिन ये शरीर का एक लिमिटेड है, शरीर एक लिमिटेड है, लेकिन जो पृथ्वी बाहर में मेरे शरीर काम नहीं करता है तो रोगी रोगग्रस्त हो तो गुरुदेव प्रधान रोगग्रस्त हो गए मंदिर में तो सब भजन करते हो गए उनका भी देखने के लिए कोई आए जब मंदिर में कोई नहीं देखते घर खबर भैया मेरे मंदिर में मेरी बीमारी पड़ गया मेरे को ले जाओ यहाँ यहाँ पर मेरे कोई दवा दारू नहीं देते फिर घर में चले गए फिर घर में चले गए घर में बंगाल में एक ब्रह्मचर्य से हुआ घर में कोई बंगाल में सिर्फ मांस मछली खाते हैं बोले देखो तुम्हारे लिए हम कोई अलग बना सकते हैं और थोड़ी सी अलग शायद एक ही खिला कर मांस मछली बनेगा अलग बना कर कोई बात नहीं कुछ दिन बाद भैया जी से बात उसके बाद बोले देखो हम बनाएंगे अलग इतना हम पूरी हो गई कितना तुम्हारे लिए बनाएंगे एक साथ खाना पड़ेगा बोले ठीक है एक साथ में बोले देखो तुम्हारे लिए बंगाल में मछली बनता है मछली बनता है बोले देखो तुम्हारे लिए अलग कुछ नहीं उसको ही खाना पड़ेगा बोले देखो सर जो पानी का झोल होता है पानी का ले लूँगा क्योंकि मछली नहीं खाना बोले कोई बात नहीं लेकिन कुछ दिन बात करें तो मतलब अगर ज्यादा कोई अगर हमारे समर्थ नहीं होने से पहले अगर ज्यादा कोई बैया नहीं करेंगे ना फिर वो बैया भी ज्यादा देर भक्ति के लिए थी। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कैसे बैया के करनी चाहिए इसलिए कहते हैं एक फल को बैया के बताए बैया कितना तरह का कितना तरह का बैया के बताओ तो कितने तरह का बैया मतलब 5 तरह का बैया के कितने वैराग्य बताओ क्या है 5 तरह का वैराग्य मंत्र वैराग्य और शमशान फल्गु 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 इसलिए पहला नंबर है मंत्र वैराग्य मतलब मंत्र का वैराग्य दूसरा वैराग्य शमशान वैराग्य तृतीय वैराग्य है हल्को वैराग्य चौथा वैराग्य है प्रसव वैराग्य और जो पंचमा वैराग्य है युक्त वैराग्य ये 5 तरह का वैराग्य इसलिए 4 तरह का वैराग्य हमें नहीं करना युक्त वैराग्य करना मर्कट वैराग्य मतलब मंदिर का जैसे वैराग्य और ये वैराग्य हम नहीं चाहते। दूसरा वैराग्य फल्गु फल्गु मतलब एक फल्गु नदी है वो नदी ऊपर ऊपर जैसे वो रहती रहती थोड़ी सी उसका रेती हटाओ ना जहाँ अंदर में स्रोत चल रहे हैं मतलब ऊपर में तो वैराग्य है लेकिन अंदर में भोग की वासना है। और जो तीसरा जो वैराग्य है कौन सा वैराग्य हो गया प्रकट वैराग्य उसका बाद में शमशान वैराग्य जो जब कोई व्यक्ति मर जाए जब उसको जलाने के लिए ले जाते हैं ना जो लोग जब देखते हैं इतने सारी वैभव संपत्ति का इसने कुछ भी यहाँ से लेकर नहीं गया सब छोड़ कर गया और राम नाम सत्य करते करते ले गए हैं और वहाँ पर डंडा मार मार कर उसको जलाए और चले आए सतगुरु से संसार कुछ नहीं राम नाम सत्य है गोपाल नाम सत्य है आज से तो हम हरे
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. आंसर का हम पक्का भजन करें, और ये घर जैसे सुखाए कुछ नहीं, लेकिन घर में जब आए और बीबी की थोड़ी मीठी मीठी बोली सुनते और बच्चा आकर के पापा पापा बोलोगे गोद में चढ़ जाए, फिर दो दिन बाद में जो भैया खड़ा है ना वो शेर कर खत्म हो जाता है, फिर वो फिर भोग में व्यस्त हो जाता है। कभी जो चौथा बैराग का प्रसव, प्रसव मतलब जब माता के बच्चों को जन्म देते हैं बड़ा कष्ट होता है, बड़ा कष्ट होता है, स्वस्थ ही नहीं और बच्चे जन्म नहीं देंगे और ये भोग नहीं करेंगे, लेकिन कुछ दिन बाद में फिर बच्चा होता है फिर भी वही कष्ट होता है, इसको बोले प्रसव बैराग। और जो चौथा जो बैराग है उसको बताया युक्त बैराग, युक्त बैराग का मतलब है ये शरीर के बाहर लिए जितने जरूरत है उतना ग्रहण करना, उतना ग्रहण करते हुए किस रूप में ग्रहण करना, तब कहते हैं रूपों को स्वास्थ्य कहते हैं कृष्ण संबंध हर वस्तु को, अरे ये झूठा है, ये झूठा है, ये माया बल्ले नहीं, ये नहीं बल्कि ये माया है, ये माया ये संसार में झूठा बल्ले नहीं, उसको भगवान को साथ में जोड़ दो है वो कृष्ण संबंध। कृष्ण संबंध मतलब ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु तब तक ये संसार माया है जब तक तेरे लिए नहीं है, जब तुम्हारे लिए नहीं, लेकिन ये सब चीज जब तुम्हारी भक्ति को साथ में जुड़ जाए वो माया नहीं। जैसे समझ में मंदिर है कितना सुंदर मंदिर बनाया, कितने सुंदर दरवाजा बनाया, इस उसी समय पर इसमें 20 लाख रुपया लगा, हमने 20 लाख रुपया लगा, इतने दरवाजा ये है ना सिंहासन 20 लाख रुपया, अभी पता नहीं बहुत पैसा इसका निकल रहा होगा है, इसलिए और मंदिर में देखो सुंदर सुंदर रोड बना है, टाइल्स लगाए, और ये भी तो माया है ये अभी, और ये जो जिसमें बैठे ये लोग पहले मार्बल अलग था उसको तोड़वा कर देखते हैं अच्छे मार्बल लगा रहे हैं अच्छे सुंदर दिखते, बोले अभी तो माया है, बोले नहीं, लेकिन ये जब चीज भगवान की उद्देश्य में होने लग जाए, भगवान की सेवा के लिए जब कोई चीज जो करो तो माया नहीं है वो कृष्ण सेवा, कृष्ण सेवा की वस्तु हो गई। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं इसलिए जो कृष्ण संबंध जो वस्तु हो जो माया माया कहते हैं ना ये भूल है, ये गलती चीज है नहीं, ये सब कृष्ण की सेवा की वस्तु है, ये दुनिया कृष्ण की सेवा की वस्तु है। इसलिए कृष्णदास भगवान कहते हैं ये सारे चीज को जब हम कृष्ण सेवा में लगाते हैं फिर तो ये चीज हमारे धन्य हो गया, ये कृष्ण प्राप्ति का कारण बन जाएगा है। इसलिए प्रभुपाद प्रभुपाद जिस समय आए ना वो एग्जीबिशन करते थे, एग्जीबिशन में क्या करते थे आग जल रही थी, इलेक्ट्री में आग जल रही थी और हिरण्यकश्यप ने प्रह्लाद को उठा कर आग झोंकी और उसमें आग जल रही थी, लटक रही थी आग और उसमें बहुत सारी इलेक्ट्री उसमें जा रहा है। इसने प्रभुपाद को कंप्लेन किया, बोले आप ये इलेक्ट्री अगर दुनिया की सेवा में लगता कितना लाभ होता, आप इतनी इलेक्ट्री को बर्बाद कर रहे। तो प्रभुपाद ने कहा देखो ये पृथ्वी में जितने सारे इलेक्ट्री है ना जब ये सारी चीज जब एक्टिव इसी काम में लग जाए समझना इसका धन्य सार्थक हो गया, सार्थकता हो गया है। इसलिए हर चीज को हम कृष्ण सेवा में लगा दो बात, जैसे हमारे गोवर्धन गुरुदेव कितना बड़ा मंदिर बनाए, नवद्वीप में कितने बड़े मंदिर बना, बोले क्यों भक्त लोग आकर रहे कीर्तन करें हरि कथा हो ब्रजमंडल परिक्रमा हो और नवद्वीप परिक्रमा हो है महाप्रभु सेवा में। इसलिए यहाँ पर कहते हैं यहाँ पर कहते हैं हर चीज को कृष्ण सेवा के उद्देश्य में लगा, फिर वो चीज माया नहीं वही चीज ही भगवत प्राप्ति की कारण बन जाएगी। इसलिए यहाँ पर कहते हैं मर्कट बैराग बैठाएगा जथा योग विषय अना सकता और अंतर निष्ठा तरफ लोक बाह्य व्यवहार अच्छी रात कृष्ण तमाय करेगा, मतलब अंतर में निष्ठा अपना रखो भगवान का, लेकिन लोक बाह्य व्यवहार मतलब जैसे परिवार है, जैसे परिवार वाले कि उनको साथ में जो लौकिक जो व्यवहार है उनको साथ साथ में लौकिक व्यवहार ठीक ठाक करो, लौकिक व्यवहार में गड़बड़ नहीं मत करो क्योंकि फिर तुम भजन नहीं कर सकते, फिर तुम भक्ति कर ही नहीं सकते। इसलिए लोक
तुमको बाह्य व्यवहार ठीक ठाक रखो, लेकिन जो निष्ठा है तुम्हारी वो निष्ठा अपना निष्ठा में अपना निष्ठा रखो, अपना निष्ठा जो भक्ति में निष्ठा रखा करो। इसलिए श्री सनातन गोस्वामी जब महाप्रभु के पास में पत्र लिखे तो प्रभु हम भजन कैसे करें, क्योंकि उसी समय सनातन गोस्वामी कौन सा अपॉर्चुनिटी प्राइम मिनिस्टर है, वो प्रधानमंत्री पद, प्रधानमंत्री पद में थे। आपको बताओ ना प्रधानमंत्री पद पोस्ट होना है और कितने सारे दायित्व, मैंने महाप्रभु पास में पत्र लिखे बोले प्रभु हम कैसे भजन करेंगे, हम भजन कैसे करें, तो सारा दुनिया की बोझ हमारे ऊपर भी सब चीज हमें देखना पड़ता है। तो महाप्रभु ने केवल एक श्लोक लिखकर दिया बोले पर व्यास ने नारी ही गृह करने शुक्र ने के श्लोक लिख दिया। बड़े सुंदर उदाहरण देकर बताया बोले जैसे एक लड़की किसी लड़का को प्रेम करती लेकिन वो चाहती थी किसी लड़की को साथ में हमारे शादी हो, लेकिन उसको प्रति वो बहुत आसक्त है, शादी होती है उसके साथ लेकिन उसको परिवार वाले भी आ गया तो वो शादी अपना बल में जाती तो अनुरूप कर लिया, लेकिन वो लड़की की तरफ से लड़की के पास मन उसका तो मन पहले जिस लड़का को प्रेम करती थी वो अभी क्या करती है अपना पति को ऊपर से दिखाने के लिए ना जितना काम करने के चाहिए उससे ज़्यादा करती है, उससे वो ज़्यादा दिखाती है। क्यों? अगर पति को पता चलेगा वो लड़का से मैं प्रेम करता हूँ तो घर से निकाल देगा, इधर से निकाल देगा बोले शादी मेरे से उसको प्रेम कर रही है, इसलिए ऊपर से दिखाने के लिए जितना करने चाहिए वो ज़्यादा कर रही है, लेकिन उसका जो मन है ना वो एक एक सेकेंड के लिए उसी घर में भी नहीं और वो आदमी बस आदमी नहीं, उसका तो मन संपूर्ण कहाँ पर है जिसको वो प्रेम करता है। क्या उसी तरह यहाँ पर शिक्षा पे हमारी भक्ति भी ऐसे होनी चाहिए। हाँ हमारा लौकिक जो है पिता माता बेटा बेटी पत्नी परिवार है उनको व्यवहार करना पड़ता है, सभी के साथ में व्यवहार करना पड़ता है, लेकिन इसकी लोक बाह्य व्यवहार लोक बाह्य व्यवहार करो, लेकिन जो हृदय है ना लेकिन ये हृदय और ये हृदय किसी को मत दिया करो। इसलिए मेरे तो गिरधर गोपाला मेरे तो गिरधर तो गोपाला दूसरा तो कोई पास हमारे जो हृदय का सर्वस्व हो वो भगवान कृष्ण है, इसलिए उनको सारे तन मन सब। और इसलिए महाप्रभु कहते हैं लोग को बाह्य व्यवहार ठीक से करो लेकिन अंदर का जो निष्ठा है ना ये निष्ठा को एकदम पक्का बना कर रखो, निष्ठा भगवान के प्रति तुम ये निष्ठा को तुम ठीक से बना कर रखो। बात उन्होंने ठीक वैसे किया, जब उन्हें ठीक वैसे किया ना परिवार वालों को खुश हो, फिर देखा अरे देखो एक काम करो इसको शादी करवा दो, घर में जो बहू आ जाएगी ना घर में जो बहू आ जाएगी क्या होगा फिर तो पत्नी के साथ में कर जाएंगे हो गया हमारा काम कर जाएगा, फिर उसने शादी करवा दिया। बोले किसको साथ में और जैसे पत्नी कैसी बोलते एक राजकुमार बिल्कुल साधारण घर के थे नहीं और थे बहुत संपत्ति पैसा वाले, उनको एक राजकुमार के साथ में शादी कर दिया। बोले कैसे पत्नी? बोले पत्नी स्वर्ग के अक्षर जैसे इतने सुंदर हैं बात बोले शादी, लेकिन जब से वो शादी किया ना वो पत्नी के तरफ में एक बार झांक कर भी नहीं देखा, वो पत्नी को पास में बैठा है तो भाग जाता है, जब भाग जाता है फिर महाप्रभु के पास में भागता है, फिर श्री मैया ने उसको पिता से बोले क्या कर रहे हो ये बार बार भाग जाता है वापस लाते हैं, काम करो इसको हाथ प्यार ना लोहे की जंजीर में बांध के हाथ प्यार कर बार बार भाग नहीं पाएगा, पिता ने कहा तो पागली हो गई, ये जगत में जो जीव को बांधने वाला जगत में दो चीज जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बलवान एक का पैसा है और एक है पत्नी, ये दो जो चीज है यही चीज संसार में जीव को बांधने लगती है, और ये दो चीज हमारे घर में परिपूर्ण थोड़ी बहुत नहीं परिपूर्ण रूप में वो दो चीज है। चैतन्य जो बातों के राखी थे बात अगर एक बार महाप्रभु का प्रेम में एक बार कोई पागल हो जाए ना जिसे कहते कोई धन दौलत के पागल है, कोई धन दौलत के पागल है, कोई पागल है बेटा नारी के कहते इतने पागल है ना सब झूठा पागल है, लेकिन सही पागल कौन है जो पागल है श्री वाक्य, सही पागल जो भगवान के प्रेम में
जो पागल बनता है बास होने हैं, भले जिसको जंजीर जड़ वस्तु क्या बांधेगा, जब सख्या जीवन वस्तु इनको बांध नहीं पाए, तब उन्होंने एक बार भी नित्यानंद प्रभु से जाकर मिले। महाप्रभु नित्यानंद प्रभु है चोर, बोले तू चोर है, तेरे को हम दंड देंगे, हैं चोर क्यों, बोले जो राधा कृष्ण ये मेरे घर है, इसे कहते हैं ना राधा कृष्ण पाए राधा कृष्ण किसका था, श्री नित्यानंद प्रभु का धन, बोले मेरे धन दिए और तक से मेरे को बोले बगर और मेरे धन को पाना चाहता हूँ, महाप्रभु को राधा कृष्ण बिल्कुल तो मेरे पास में आया ही धन संपत्ति तो गुरु जी की संपत्ति, तो बिना गुरु जी के आश्रय बिना मेरे को बोले और तुम मेरे संपत्ति को लेना चाहते हो, तेरे को दर्शन दूंगा, मैं क्या दर्शन दूंगा, बोले जितने साधु है ना उनको मेरा सही बहुत पसंद, देखो भक्ति जगत में दंड लेना दंड सबसे बढ़िया है, सही बढ़िया भैया प्रसाद मिलेगा, इसलिए महाप्रभु जी वहाँ पर गुटिका मंदिर में आर्जन करते समय जो मंदिर पर ठीक ठीक से साफ नहीं कर पा रहा था ना, बोले तेरे को उत्सव देना पड़ेगा, सब भक्तों को पीठा बना दिया है, सारे भक्तों को सेवा करो, बोले क्यों भक्त सेवा के लिए क्यों बताए, बोले इसलिए बताए कहते भक्तों का हृदय में भगवान का निवास है, जब हमारे कुछ कमाई है वह वस्तु जब भक्तों को सेवा में लगती है तो शुक्र बैठती है, अगर सारे पैसा कमाए और अपना सेवा में लगा दिया अपना फिर तो तुम्हारी सुकृति कैसे बनेगी, लेकिन जब कुछ वस्तु गुरु वैष्णव की सेवा में लगता है हमारा कमाई का वस्तु उसको तरह सुकृति बैठे और सुकृति पुष्ट होगा तो फिर जाकर भगवत भजन हो सकता है, इसलिए प्रजा साधु संत को सेवा कराओ बड़े खुश हो गए, मैंने नाव में भर भर करके चीरा दही ये बंगाल का भैया और जो जो बिहार का है ना, आप जैसे बिहार के बोलोगे बिहार का सबसे बढ़िया खाना करो चिड़वा, उनका ही सबसे बेस्ट खाते है ये बंगाल के हमारे बिहार के चिड़ा दही, उसमें नारियल आम दे करके और सब्जी टमाटर डाल करके आलू मटर डाल करके सब्जी बना के और चिड़ा को दही चिड़ा दही उसमें आम डाल करके और संगले मीठा कभी केला देकर उसको चिड़ा को बना दे आए तो फूल, इसलिए कहिए बंगाल में भी इस चीज़ को खाते हैं, इसलिए वहाँ पर नाव में भर भर कर दही चिड़ा आप मूढ़ी ले लाए संदेश लाए और मिठाई लाए और दो तरह का बनता है, एक तो गर्म दूध में डाल के बनते हैं और दूसरा बनता है दही में वो दही में डाल के, दो तरह से चीज़ बनती है, बढ़िया सुंदर उन्होंने बनाए और वहाँ पर भगवान को भोग लगाए और बोले महाप्रभु के लिए भी आसन दो, महाप्रभु के यहाँ पर जगन्नाथपुरी में थे, जब उन्होंने आसन दिया ना वहाँ पर साक्षात श्री चैतन्य महाप्रभु आए और आकर उन्होंने चिड़ा दही उन्होंने खाए, सारे भक्त लोगों ने खाए, सारे भक्त लोग खुश हो गए और वहाँ पर जितने लोग जब सुना कि उत्सव हो रहे थे केले केला बेचने के लिए आए मिठाई के जो बेचने के लिए आए ना वो भी खा रहे हैं सबके सब, और जितने लोग वहाँ पर इकट्ठे हो गए ज्यादा नहीं मिला कहाँ बैठे पर गंगा पानी में उतर करके है गंगा पानी में वहाँ पर उतर करके वहाँ हम लोग गए वहाँ पर और स्नान का नाम क्या है नित्यानंद जहाँ पर इतने दंड पानी हम लोग गए हो छोड़ छोड़ गए हो इसलिए पानी घाट कैसे वहाँ पर खूब भक्तों की लाए बात जब भक्त लोग का हृदय भगवान के लिए भक्त लोग खुश हो गए ना भगवान भी खुश हो गए, खुश हो गए तो उन्होंने नित्यानंद प्रभु है रघुनाथ दास गोस्वामी का सर ऊपर अपना चरण रख दिया, अपना चरण रख करके उनका आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद दे करके उन्होंने बाद जब उन्होंने आशीर्वाद दिया है तो उन्होंने घर पर छोड़े तो उन्होंने बहाना बनाए कोई पुजारी आया नहीं पूजा करने के लिए पर हम पुजारी को बुलाने के लिए जा रहे हैं, बस पुजारी को बुलाने के लिए गए तो पूरा बंगाल से दबक दी जब एक महीना का रास्ता उन्होंने 12 दिन में उन्होंने पार करके चले गए और सीधा गए यहाँ पर
जगन्नाथपुरी में महाप्रभु के पास में। जब महाप्रभु को मिले, महाप्रभु ने कहा तुम्हारे ऊपर में तो भगवान की बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है। उन्होंने उदाहरण दिया, कहते तुमको तो नरक से निकाल दिया था तुम्हारे पास, तुमको विष्टा नरक से तुमको निकाल करके ऊपर ब्याह कर ले आए हैं। महाप्रभु ने उनको ये आशीर्वाद दिया है। तो उसके बाद में महाप्रभु उसको स्वरूप का मंत्र को हाथ में समर्पण कर दिए। इसलिए उनका एक नाम है स्वरूप है रघु, स्वरूप है एक नाम रघु। टाइम हो गया, इसलिए करें हम शाम को सुनेंगे और कथा श्री कृष्णदास गिरिराज गोस्वामी रघुनाथ भट्ट सब इनकी कथा है। फिर शाम को ठीक है निकाय गौर प्रेमानंद दे रघुनाथ दास गोस्वामी की, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी की, श्री रघुनाथ भट्ट की, निकाय गौर प्रेमानंद दे।